So beta, we have discussed about the renal stones. Now we are going to discuss about renal failure और किडनी फेलियर. ठीक है, सो रीनल फेलियर हो या किडनी फेलियर हो, ये वो मेडिकल कंडीशन होती है इन विच द नॉर्मल फंक्शंस आर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ द किडनी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड देन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज नीडेड हैज बीन लॉस्ट या ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे रीनल फेलियर. सो हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी नॉर्मल कंडीशंस हैं, वो नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं किडनी के लिए कि वो क्या करे, नॉर्मल फिल्ट्रेशन करे, देन रीअब्सॉर्प्शन अलोंग विद सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन. So if these normal conditions are not sustained by the kidney or get lost or gradually lost by the kidney, then kidney gets fail or other renal failures occur. ठीक है, सो बेटा देन आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर. सो आपकी बुक में अगर देखें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ किडनी फेलियर गिवन है, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक. ठीक है, बट एक्यूट और क्रोनिक की भी कुछ सब टाइप्स हैं जिनको मैंने यहाँ डिस्कस किया है, लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं एक्यूट की, तो एक्यूट का मतलब होता है कि उसके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ टाइम के अंदर डिसअपियर हो जाएं, या अगर वो कोई ऐसी डिजीज है जो कि रिवर्सिबल हो, यानी वो वापस मुड़ के नॉर्मल पोजिशन पर चला जाए, तो आप उसको एक्यूट कहते हैं. सो इसी तरह से अगर एक्यूट रीनल फेलियर होते हैं तो वो सम टाइम वापस रिवर्स हो जाते हैं, बट यूजुअली जो है वो रीनल फेलियर अगर एक्यूट हो तो वो रिवर्स नहीं होता, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसके बाकी फंक्शंस कैसे हैं और क्या उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं उसको इंक्रीज करने के लिए या नहीं है, तो इन सब बातों को देख के वो दोबारा क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है. और अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक का मतलब आपको समझ आता है कि इट इज द प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन, या प्रोलॉन्ग जो एक चीज चल रही होती है उसके सिम्टम्स बहुत टाइम तक रहते हैं, उसको आप प्रोलॉन्ग कहेंगे. ठीक है, यानी स्लोली स्लोली इफेक्ट हो और किडनी फेल हो तो उसको आप क्रोनिक कहेंगे, जबकि अगर सडन किसी इफेक्ट की वजह से हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे एक्यूट. ठीक, सो एक्यूट और क्रोनिक दोनों के आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं. द फर्स्ट इज एक्यूट प्री रीनल, यानी इसमें क्या होगा कि एक्यूट प्री रीनल फेलियर जो है इट इज ड्यू टू द इनसफिशियंट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी, यानी रीनल आर्टरी या रीनल वेन में जितने आपकी ब्लड सर्कुलेशन है पर मिनट के हिसाब से अगर वो नॉर्मल नहीं मिल रही है उसको, और किडनी जो है वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि रेस्पायरेशन जो किडनी के लिए है वो नहीं हो सकेगी, और इवन अगर ऐसी कंडीशन है तो मे बी जैसे हमने कहा कि रेथ्रोपायोटिक प्रोड्यूस होता है किडनी से और वो बहुत पैरों को जाके इफेक्ट करता है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी नहीं हो सकेगा और यूँ हमारे पास जो है वो एक्यूट प्री रीनल फेलियर होगा जो ड्यू टू द इनसफिशियंट ब्लड फ्लो है. ठीक, देन हमारे पास है एक्यूट इंट्रिंसिक. तो एक्यूट इंट्रिंसिक का ये मतलब है कि डायरेक्ट ट्रॉमा अगर किडनी को हो जाए, यानी सम टाइम आप देखते हैं कि कोई बुलेट लग जाती है किडनी के ऊपर, या उसको कोई कट लग जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या इवन बंदे की कहीं पे उसकी वो बर्निंग हो जाती है, तो वो सब ट्रॉमास हैं, यानी वो सब वो इफेक्ट्स हैं जो कि किडनी को फौरन से या इमीजिएटली जो है वो डैमेज कर देते हैं. ठीक, अच्छा अब देखें जो एक्यूट प्री रीनल है दैट कैन बी इन रिवर्स, लेकिन जो एक्यूट इंट्रिंसिक है वो समटाइम रिवर्स नहीं होता क्योंकि उसमें किडनी जो है वो ट्रॉमा की वजह से लॉस्ट हो चुकी होती है. ठीक, देन हमारे पास आता है एक्यूट क्रोनिक प्री रीनल. सो अगर ये इनसफिशियंट ब्लड फ्लो फॉर अ लार्जर टाइम हो, यानी वो वापस मुड़ के रिवर्स नहीं हो रहा, तो आप जो किडनी डैमेज होगा उसको बोलेंगे क्रोनिक प्री रीनल. देन आता है क्रोनिक इंट्रिंसिक, सो लॉन्ग टर्म डैमेज. एंड दिस लॉन्ग टर्म डैमेज कैसे, यानी आप अगर देखें कि फॉरन ट्रॉमा से अगर वो डिसऑर्डर हो रहा है तो वो तो हो जाएगा एक्यूट इंट्रिंसिक, लेकिन अगर हम क्रोनिक इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो ये जो डैमेजेस हैं ये आपके पास दो मेन कंडीशंस की वजह से कॉज हो सकते हैं. एक डायबिटीज मेलिटस की वजह से, जिसमें अमाउंट ऑफ शुगर या ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन. ठीक है, या जो दूसरी कंडीशन है हाइपरटेंशन, यानी बीपी का इंक्रीज होना. सो ये दो वो कंडीशन है जो कि ग्रेजुअली किडनी को लॉस करती हैं, उसको ट्रॉमा प्रोवाइड करती हैं और किडनी लॉन्ग टर्म डैमेज की वजह से फेल हो जाती है. ठीक, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसेंट्रेशन और ब्लड फ्लो, जब फ्लो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा
होगा, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकेगा और यूं किडनी अपने फंक्शन को स्लोली लॉस कर देती है। और ये भी हो सकता है कि हायर ब्लड प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज हो जाए, और जब फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी तो बाकी की जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो भी परफॉर्म नहीं हो सकेंगी। देन हमारे पास आते हैं क्रोनिक पोस्ट रीनल। सो क्रोनिक पोस्ट रीनल, देखिए प्री रीनल यानी किडनी के अंदर की हम बात कर रहे हैं और पोस्ट रीनल की आप यूरिनरी ट्रैक में बात कर रहे हैं। सो अगर उसमें कहीं ब्लॉकेज हो जाती है यानी अगर कहीं स्टोन्स जो हैं वो यूरिनरी में या किसी और पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है और यूरिन पास नहीं हो सकता, तो उसकी जो ब्लॉकेज रहेगी वहां पे एक्युमुलेशन रहेगी, उसके रिजल्ट में रीनल फेलियर होगा, जिसको बोलेंगे आप क्रोनिक पोस्ट रीनल की। देन हमारे पास आती है रिस्क फैक्टर्स। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रीनल फेलियर। फर्स्ट आपके पास है टॉक्सिक एक्सपोजर, यानी जैसे एस्बेस्टॉस है उसकी तरफ हो, या जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरफ आपका एक्सपोजर ज्यादा है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा है, या अगर वो नहीं तो प्रोलॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो है, या आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल इनटेक जो है, ये दोनों काज कर सकते हैं टॉक्सिक एक्सपोजर, और टॉक्सिक एक्सपोजर काज कर सकता है किडनी फेलियर को। ठीक है, देन हमारे पास सीवियर डिहाइड्रेशन है कि अगर पर्सन जो है वो एक लंबे टाइम तक डिहाइड्रेटेड रहता है तो उसका किडनी डैमेज हो सकता है। देन इन्फेक्शंस हैं, यूजली यूटीआई के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो किडनी फेलियर कॉज करते हैं। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन काज होती है, और अगर ये इन्फ्लेमेशन किडनी में काज हो रही है और होती भी है मस्कुलर रीजन के अंदर, सो इसको आप बोलेंगे कि ये भी रीनल फेलियर को इंक्रीज कर सकता है उसके चांसेस को। देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, यानी ग्लोमेरुलस की जो वेसल्स हैं अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाएं तो वो प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं करेंगी, डैमेज हो जाएंगी, और एक्चुअली जब किडनी डैमेज होती है तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ही डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलस डैमेज होता है तो किडनी डैमेज आप उसको कहते हैं। देन डायबिटीज है, एंड स्पेशली द डायबिटीज मेलिटस, क्योंकि डायबिटीज की भी टू टाइप्स होती हैं, एक डायबिटीज मेलिटस होता है और एक डायबिटीज इंसिपीडस होता है। ठीक है, इंसिपीडस जो है वो ड्यू टू ADH होता है, जिसमें डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, वो एक डिफरेंट डिजीज है, लेकिन जो डायबिटीज मेलिटस है जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी और उन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से किडनी का जो डैमेज है वो इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यूजली आप देखें कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें किडनी फेलियर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जितने ज्यादा मिलेंगे किडनी को उतना ज्यादा जो है वो किडनी डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर रहे हैं जैसे एस्पिरिन वगैरह है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन फेलियर जो है वो कॉज हो सकता है। हाइपरटेंशन थ्रू आउट ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वो भी किडनी डैमेज करता है। और ट्रॉमा जो है वो तो ऑब्वियस बात है कि उसकी वजह से किडनी को डैमेज होगा। देन हमारे पास आते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। सो पहला क्या है कि रिड्यूस्ड यूरिन है, मींस के यूरिन जो है वो प्रॉपर फॉर्म जो उसकी अमाउंट है उसमें नहीं बन रहा, क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज है, रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज है, सो डेफिनेटली जो हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसके अलावा फ्लूइड इनटेक, क्योंकि ब्लड में और बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो यूजली लेग्स में जो है वो फ्लूइड का इनटेक एक्युमुलेशन ज्यादा होती है, जिससे लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है। अनएक्सप्लेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू दी लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है, सो इसलिए जब ब्लड प्रॉपर फिल्टर्ड नहीं होगा तो मे बी कि उसकी ब्रीथिंग जो है वो रिड्यूस्ड हो जाए, लेकिन ये अनएक्सप्लेन होती है क्योंकि इसमें एक्चुअल कॉज क्या है ब्रीथिंग के शॉर्ट होने का वो नहीं पता होता। देन एक्सेसिव ड्राउजीनेस, ये तो गुजारा कोई ट्रॉमा, कोई भी फेलियर, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उनके रिजल्ट में ये तीन जो साइंस हैं ये होते हैं, ड्राउजीनेस, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, और लास्ट आपके पास पेन आ जाएगा। ठीक, देन बेटा हमारे पास आते हैं इफेक्ट्स। सो इफेक्ट में लाजमी बात है कि जब हम रीनल फेलियर कह रहे हैं, किडनी फेल हो गए और हमारी प्रॉपर जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, या इवन अगर उसका कोई एक पार्ट डैमेज हो जाता है, बीपी इंक्रीज होता है, या जो है वो आपकी पीएच डिसबैलेंस हो जाती है, तो वो हमेशा बॉडी के लिए फैटल होती है। फैटल का मतलब होता है डेंजरस या डेथ काजिंग। ठीक है, सो इसका एक इफेक्ट तो डेथ हो सकता है, बट
यूजली जो है वो आपके पास इसके दो मेन इफेक्ट होते हैं और ये दोनों जो है वो क्रोनिक केसेस में ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्यूट में तो वो फौरन फेटल होता है, उसकी डेथ हो जाती है या वो वापस मुड़ के रिवर्स हो जाता है। लेकिन जब आप एंड स्टेज रीनल डिजीज की यानी ESRD की बात करेंगे या जो है वो यूरेमिया की, तो ये दोनों आपके पास क्रोनिक कंडीशन में काज होंगे, यानी कैसा टाइम आएगा कि किडनी जो है वो प्रोग्रेसिवली एंड स्टेज पे चली जाएगी। और जब ये इस स्टेज पे आ जाती है तो फिर आपको या डायलिसिस करवाना पड़ता है तो या आप ट्रांसप्लांट करवा के उस किडनी को के फंक्शंस को अल्टरनेट करते हैं। ठीक, देन दूसरा है यूरेमिया। तो यूरेमिया कहते हैं इंक्रीज्ड यूरिया एंड वेस्ट को, कि जब वेस्ट और यूरिया की अमाउंट इंक्रीज हो जाए ब्लड में या बॉडी में तो उसको यूरेमिया कहा जाता है। सो दीज टू आर द इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिक किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, जिनको ट्रीट करने के लिए या तो आपको डायलिसिस चाहिए होगा या फिर आप उसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। ठीक, देन इट हमारे पास आती है इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन या डायग्नोसिस इसकी कैसे की जाती है? सो डेफिनेटली जो ब्लड टेस्ट है या यूरिन आ रही है वो तो करती करते हैं, बट दीज आर द मोस्ट प्रिसाइज मेथड MRI या CT स्कैन इनको यूज करें या फिर अल्ट्रासाउंड को यूज करके उसकी डायरेक्ट डायग्नोसिस करवाई जा सकती है। देन हमारे पास मैनेजमेंट आती है कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो डाइट्री, सबसे पहले तो डाइट्री मॉडिफिकेशन कि उसके अंदर फ्लूइड का इनटेक कम हो और इसके अलावा सोडियम का इनटेक कम हो, मतलब आपने वो फूड लेनी है जिनमें सोडियम पोटाशियम की अमाउंट कम होती है। देन इसके अलावा जो है वो डायलिसिस, तो डायलिसिस कहते हैं आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन को, के ब्लड को आर्टिफिशियली मशीन के थ्रू या इवन पेरिटोनियम कैविटी के अंदर फिल्टर किया जाता है। जो फंक्शन किडनी ने परफॉर्म करना है फिल्ट्रेशन का, वो फंक्शन आर्टिफिशियल मीडियम्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है ताकि उसमें से वेस्ट यानी स्पेशली किस चीज़ को रिमूव किया जाए, यूरिया को। ठीक है, सो यूरिया को एक्चुअली रिमूव करने के लिए डायलिसिस की जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, पेरिटोनियल एंड हीमोडायलिसिस, बट बोथ कैन बी यूटिलाइज इन केस ऑफ रीनल फेलियर। देन रीनल ट्रांसप्लांट है, तो ट्रांसप्लांट का आपको पता है कि एक ऑर्गन ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसकी जगह दूसरा ऑर्गन फंक्शनल ऑर्गन यूज कर रहे हैं बॉडी में इम्प्लांट करवा के, तो इसको रीनल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड। रीनल ट्रांसप्लांट कैन बेटर बी यूज देन द डायलिसिस, बिकॉज डायलिसिस आपको डेली करवाना पड़ता है और रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो किडनी की लाइफ को अबाउट 10 ईयर्स तक इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब वो किडनी के फंक्शंस न्यू किडनी के साथ 10 ईयर्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, बाकी अगर उसकी केयर की जाए तो वो लाइफ टाइम भी चलता है। ठीक, और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास प्रिवेंशन है, कि इन सबसे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने डायबिटीज को और जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल में रखें, और इसके अलावा जो है वो जो हमारा फ्लूइड इनटेक है उसको नॉर्मल रखें, स्वेयर डिहाइड्रेशन ना होने दें बॉडी में, और सबसे अबव के जो इन्फेक्शंस है या इन्फ्लेमेशंस है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। सो दैट वॉज अबाउट रीनल फेलियर, बोर्ड के पेपर में 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन था। सो इस सारे को आपने प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख सकती, आपने जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में इसको अपने पास नोट करना है। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।